Good morning, dear students. Welcome to the class. Today we started the first lesson of Hindi. This name is Desh Hamara. बच्चों आज हम छठी कक्षा का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है देश हमारा। चलिए बच्चों आप सब लोग अपना अपना बुक निकालिए, पुस्तक निकालिए और देखिए, मैं पढ़ूंगी आप सुनेंगे। पांच पेज नंबर पांच आपका पहला पद्य है देश हमारा। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। उच्च हिमाल मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। नदियां भरी है शीतल जल से, झीले झरने गगर हैं। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा सवारेंगे। शांति दया की राह अपनाकर, जग का आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। मैं फिर से पढ़ूंगी आप सुनेंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। नदियां भरी हैं शीतल जल से, झीले झरने गगर हैं। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा सवारेंगे। शांति दया की राह अपनाकर, जग का आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। अब हमने पद्य का विस्तार से वाचन किए हैं, अब हम चलेंगे विवरण की ओर। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। बच्चों मैंने कुछ शब्दार्थ बोर्ड पे लिखे ही, आप उन्हें देखेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि देश हमारा पद्य का नाम है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है जिसका मीनिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गागर का अर्थ है पिक्चर, शांति काम, जग वर्ल्ड, न्यारा वंडरफुल, उच्च है, सागर सी, मस्तक फोरहेड, शीतल कोल्ड, दया काइंडनेस। ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ हिंदी और इंग्लिश के। देश हमारा पद्य का सविस्तार से विवरण हम जानेंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। बच्चों भारत देश किसका है? हमारा है। हम सब लोग कहाँ है? भारत में है। तो सब देशों से न्यारा है। हमारा देश कैसा है? सब देशों से न्यारा यानी के सुंदर है। भारत देश हमारा है और सब देशों से सुंदर है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। भारत का मस्तक क्या है? हिमालय है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, भारत का मस्तक क्या है? मस्तक यानी है, कौन सा है? हिमालय इसका सर है। पग पर छलके सागर है और यहाँ पर क्या है? सागर है। नदियां भरी हैं शीतल जल से, झीले झरने गगर हैं। यहाँ की नदियां कैसी हैं? शीतल जल से, शीतल यानी के कोल्ड वाटर से भरी हुई है यहाँ की नदियां। झीले झरने गगर हैं, झीले झरने और गगर हैं। गगर यानी के मटका, मटका हम देख सकते हैं कि यहाँ पर झीले हैं, झरने हैं और नदियां बह रही है। देखिए बच्चे यहाँ पर पहाड़ है, नदियां बह रही हैं। ये सब आपको अपने पुस्तक के भावचित्र पर ही दिखाई दिए गए। भारत देश कैसा है? सुंदर है। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। यहाँ के पेड़ों पर मीठे मीठे फल मिलते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंगो ट्री है, यहाँ पर मैंगो है। मैंगो कैसा रहता है बच्चों? मीठा होता है। ये फल कैसा होता है? मीठा होता है। मीठा यानी स्वीट। हमारे भारत देश के फलों में मिठास भी है। धरती पर हरियाली है। यहाँ की धरती कैसी है? हरियाली है। हरियाली मीन्स ग्रास। ग्रास कैसे रंग का होता है बच्चों? हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। तो यहाँ पर हमारी धरती कैसी है? हरी भरी है। हमारी धरती पर हरियाली है और यहाँ के पेड़ों पर मीठे मीठे फल मिलते हैं। खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। भारत देश के खेतों में क्या है? अन्न है। खेत खलिहान है भरे अन्न से, यानी यहाँ पर क्या है? व्यवसाय करते हैं तो यहाँ के खेत ऐसे हैं, अन्न से भरे हुए हैं, तभी तो हम अपना पेट भर सकते हैं। जब किसान खेती बाड़ी करता है, अनाज होता है, तो हम उस अनाज से अपना पेट भरते हैं, तब पेट भरेंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए घर में क्या रहती है? खुशहाली रहती है। जैसे कि भारत देश के खेत कैसे हैं? भरे अन्न से हैं, इसलिए हर घर में क्या है? खुशहाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। हमारा देश हमें प्राणों से भी प्यारा है, इसे हम कैसे रखेंगे? हमेशा सजा के रखेंगे, संवारेंगे यानी कि डेकोरेशन करके रखेंगे, इसे सुंदर से रखेंगे। शांति दया की राह अपनाकर जन का आदर्श बनाएंगे, अपने देश में शांति को बनाए रखेंगे। यहाँ पर शांति और दया की मूर्ति को हम क्या करना है? अपने देश में रखना है, अपने आप में हम रखना है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े किए बिना अपने देश में क्या रखना है? हम शांति बनाए रखना है। जग को आदर्श तभी हम बना सकते हैं। जब हम देश में शांति रखेंगे तभी हम अपने देश को आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है।